एसएचओ के सो जाने के कारण कई घंटों के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार बताया गया कि उज्जैन निवासी दीना वाल्मीकि, जो उज्जैन के चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी है, ब्याना में गद्दे और अलमारी खरीदने आया था, जो ब्याना के मिराना तिराहे के पास लगे एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने गया था। जहां पैसे नहीं निकल पाए तो उसने वहां खड़े तीन लोगों में से एक छात्र ने कहा कि वह आपके पैसे निकाल देगा, तभी एटीएम लेकर पैसे निकालने लगा। नहीं निकलने पर और चालाकी से एटीएम बदल कर ले गए। उसके बाद फिर जाकर 40,000 रुपए दो बार में निकासी की और 10,000 रुपए एक खाते में ट्रांसफर कर कुल 50,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित दीना ने बताया कि जब वह पुलिस कोतवाली मुकदमा दर्ज कराने गया तो पुलिस कर्मियों ने बताया कि एसएचओ सो रहे हैं, उनके जागने पर ही कोई कार्यवाही की जाएगी। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद पीड़ित का मामला दर्ज हुआ। पुलिस कोतवाली प्रभारी खलील अहमद का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही खुलासा भी कर दिया जाएगा। पैसे निकालने की जो वारदात हुई है सर, क्या कहता है फरियादी? फरियादी बता रहा है कि उज्जैन का रहने वाला है और यहाँ माल को खरीदारी करने आया था। मीराना के पास ही एटीएम पे गया था, उनको लड़के मिले, उन्होंने उसका एटीएम बदल दिया और उसके पैसे निकाल दिए। फरियादी सर आरोप लगा रहा है कि वो 2 घंटे यहाँ इंतजार में बैठा रहा और इन्होंने जवाब दिया साहब अभी सो रहे हैं जागने के लिए, कोई काम नहीं। नहीं नहीं, गलत है, आप लोग जाने को काम कर रहे हैं। मामला दर्ज हो गया सर। गुरुवार शाम